जाखल रिटेल में सब्जी व फ्रूट बेचने वाले दुकानदारों ने समय सारणी को लेकर अपनी दुकानें रखी बंद। वेंडर्स ने भी गली गली जाकर सब्जी व फ्रूट ना बेचने का लिया निर्णय। जिला प्रशासन द्वारा तय किए समय सारणी से नाराज हैं सब्जी व फ्रूट विक्रेता। जी हां, प्रशासन की तरफ से रिटेल में सब्जी व फ्रूट बेचने वाले दुकानदारों के लिए तय किए समय से नाराज दुकानदारों के साथ साथ वेंडर्स ने आज हड़ताल कर सब्जी ना बेचने का निर्णय लिया है, जिस कारण आज जाखल मंडी में सभी रिटेल में सब्जी व फ्रूट बेचने वालों की दुकानें बंद रहीं। ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दुकानदारों का कहना है, अगर समय सारणी में किसी तरह का बदलाव ना किया गया तो आगामी समय तक अपनी दुकानें बंद रखेंगे। वहीं सब्जी विक्रेता विकास कुमार ने बताया कि जो समय सारणी तय की है वो उनके लिए उचित नहीं है। इसी से नाराज आज जाखल में करीब 20 दुकानदार व 25 रेहड़ी पर सब्जी बेचने वाले वेंडर्स ने अपना काम बंद रखा है। उन्होंने बताया कि अगर प्रशासन ने इस समय सारणी में कोई तब्दीली ना की तो वे आगे के समय में भी अपनी दुकानें बंद रखेंगे। दुकानदार का कहना है कि पिछले काफी लंबे समय से रिटेल सब्जी विक्रेता नुकसान में है। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 हरियाणा। आज सब्जी मंडी में सब्जी के दुकानदारों ने सब्जी नहीं ली, इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है जी, हमारा जो सब्जी मंडी का टाइम टेबल है जी, 10 बजे के बाद का रखा गया है। अगर हम 10 बजे सब्जी की दुकानें खोलते हैं तो हमारी सब्जी की कोई सेल नहीं होती। पहले ही हम 3-4 महीने से बहुत लॉस में जा रहे हैं। कितने दुकानदार हैं जाखल मंडी में? जिन्होंने दुकानदार आप ये लगा लो करीब 20 दुकानें हैं जी, और 25 से 30 रेहड़ियां हैं, आज सभी बंद है। कब तक ये आपकी ये? देखो मसला तो है फिलहाल आज का ही, अगर किसी ने नहीं सोल्व किया तो हो सकता है आगे भी चल सकता है।